हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियाज की दुनिया। रियाज की दुनिया में सबको खुशामुद्दीन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए नदी में दोबारा। बहुत धूप कर रहा है, इस वजह से छतरी लेके कंधे में गमछा लेके जा रहा हूँ अभी नदी में नहाने के लिए। बहुत धूप हो रहा है और पीछे पेडी लैंड धान का खेत, अरे बैंगन का खेत है। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत मजा आएगा। तो धूप दिखाई दे रहा है, कितना सारा धूप है, बहुत गर्मी कर रहा है। आइए देखिए बैंगन कैसे सूख गया है, बहुत धूप हो रहा है ना, इस वजह से सूख गया है। ये बहुत गर्मी कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा हॉट वेदर है। और ये है धान का खेत पेडी लैंड। देखो आसमान में देखो, कोई बादल नहीं है। बादल है कोई यार, ये सूरज, इधर है सूरज को। बहुत धूप हो रहा है, जैसे लग रहा है सूरज नजदीक में आ गया है। और मैं चल के जा रहा हूँ अभी नहाने के लिए नदी में। ये मैं वहाँ से आया, ये वाला रोड से वो स्कूल है, इसमें एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ यहाँ नदी में नहाने के लिए। ये देखिए ये कुछ दिन बाद पकने वाला है, ठीक है, काट लेगा पक जाएगा तो। और ये देखिए अभी निकल रहा है धान, इसमें पानी है इसमें पानी नहीं है। इतना ज़्यादा धूप हो रहा है, गर्मी बहुत हो रहा है, गर्मी यहाँ पर बहुत गर्मी हो रहा है। धान चारों तरफ देखो ग्रीन ग्रीन है, इधर भी देखो ग्रीन, यहाँ भी देखो ग्रीन, हरा हरा वो इधर हरा हरा नेचर है यहाँ पर। तो जहाँ भी देखो वहाँ पर हरा हरा है, ग्रीन ग्रीन है, चारों तरफ ग्रीन है। मेरा मुँह काला आ रहा है, छतरी है ना, कोई लाइट नहीं आ रहा है इस वजह से। ये छतरी अम्ब्रेला। तो जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी नहा के जाऊंगा घर, बहुत भूख लग गया है, धूप की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत बसीना बसीना जा रहा है ना शरीर से, उस वजह से पानी का खामतिया हो गया है अंदर, ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो घर जाके बहुत ज़्यादा पानी पी जाऊँगा, शरबत चीनी डाल के नींबू डाल के ठीक हो जाएगा शरीर में। और खाना खाऊंगा जाके दोपहर का खाना लंच। और ये देखिए वैरायटी सब इसमें अलग है, तुलाई पंजा। और ये है अलग टाइप का खेत, रेडी लैंड का धान का खेत, हम लोग इसको धान कहते हैं, ठीक है। तो बार बार मैं धान बोलूँगा तो आप लोग समझ जाओ, जिसमें चावल होता है वो पेडी लैंड, इंग्लिश में तो पेडी लैंड बोलते हैं। और इसमें से जो होता है राइस, ये राइस का खेत है। आ गया, बहुत बड़ा पेड़ है, उसको छाया है ये। अरे मेरा हाथ में छतरी है, यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, एक थोड़ा भी हवा नहीं है। यहाँ हवा चले तो थोड़ा आराम लगे, लेकिन नहीं, थोड़ा देर यहाँ पर बैठूंगा, यहाँ बैठने के लिए बनाया है। जो भी खेत में आएगा काम करने के लिए यहाँ आके थोड़ा बैठेगा, आराम करेगा, यहाँ इस वजह से यही पे बनाया है। बात से बास, बहुत बड़ा देखिए कितना बड़ा ट्री है ये, अभी थोड़ा हवा बह रहा है, देखिए ट्री का पत्ता देखिए, यह हवा हिल रहा है सब, आराम भी लग रहा है। यहाँ आ गया एक यहाँ बैठने आराम करने के लिए, ये देखो कैसे हिल रहा है, ये देखने में मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर है बकरी बैठने के लिए जगह, चारों तरफ देखिए चारों तरफ ग्रीन ग्रीन। तो मैं अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए, बहुत गर्मी हो रहा है, इधर है धूप मेरा फेस में देखिए, चेहरा में कितना ज़्यादा धूप हो रहा है।
पीछे भी चाह रहा है ढूंढ रहा है कहाँ किसका पानी हो रहा है वो वाला चिम्बार में। ये पूरा जंगल था, किसी ने जंगल को काट दिया है, दिखाई दे रहा है पूरा, देखो पूरा का पूरा जंगल में भरा हुआ था लेकिन किसी ने काट दिया जंगल को, कौन काटा है ये देखिए। ऐसे था जंगल पूरा भरा हुआ था लेकिन किसी ने काट दिया वो वाला जगह में, इसमें तो है ही। और ये जंगल है, ये बांस झाड़, बारिश का पानी जाके देखिए रास्ता कैसा हो गया, छोटू सा हो गया रास्ता पूरा, चारों तरफ जंगल है, बीच में से रास्ता है ये। ये देखिए देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत डर भी लग रहा है, यहाँ वहाँ से सांप आ जाएगा। अरे ये नदी, नदी का किनारा, चंचल हवा। अरे ये है धान का खेत, ये भी नहा लो थोड़ा देख के आओ। अमरूद का बैंगन, ये वाला वेदर देख के मुझे गाना याद आ रहा है, गाना का नाम है ये राते ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। नदी का किनारा, अरे ये नदी का, ये नदी है, ये है नदी और ये है नदी का किनारा। गाना है ये राते ये मौसम, ये राते ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। मुझे मालूम है मेरा बेसुरा हूँ मैं, माफ करना। तो मेरा नहाना हो गया है कंप्लीट, मैं अभी जा रहा हूँ घर, भूख लग गया है बहुत, बहुत गर्मी हो रहा है, नहा के मज़ा आ गया, नदी में नहाने में बहुत मज़ा आया, ठंडा ठंडा पानी में नहा लो, खुला खुला पानी। आज वो इधर बहुत हॉट है, ठंडा ठंडा पानी में नहा लो, ओह क्या मज़ा आया नहाने में। चारों तरफ अभी जा रहा हूँ घर पे, यह बहुत आराम लग रहा है, देखो बहुत आराम लग रहा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है ये वाला जगह में, चारों तरफ जंगल है ना, ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन है, वेदर ठंडा है ये वाला सिर्फ जगह में, आगे तो बहुत धूप है तो वेदर भी हॉट होगा, गर्म यहाँ से स्टार्ट हो गया गर्म, बहुत मज़ा आया नहाने में। ये गर्मी गर्मी वेदर, इतना गर्मी, सॉरी पता नहीं कौन सा रिलैक्स है। तो नहाने जाने का टाइम में ये वाला जगह में मैं बैठा था, और ये देखिए कितना बड़ा ट्री है, पैर पता नहीं कौन सा है, इंग्लिश में बोलते हम लोग इसको तो पाकुर गाछ कहते हैं, ठीक है, हमारा यहाँ पर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में क्या कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, देख के आप लोगों को कमेंट में बताइए क्या कहते हैं, मुझे मालूम नहीं। अरे इसका नीचे में बैठा था, यहाँ पर किसी का घास है काट के रखा है, गाय भैंस बकरी का चारा है ये, वो है धान, राइस लैंड, पेडी लैंड, जो भी कह सकते हो आप लोग कह सकते हो। इसका छाया कितना दूर तक जा रहा है देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ये, देखिए ये देखिए इतना बड़ा है, बहुत बड़ा ट्री है ये, देखो आसमान में देखो ब्लू हो गया पूरा, कोई दिखाई दे रहा है कोई बादल है कुछ नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है और गर्मी हो रहा है बहुत। यहाँ पर गाय चारा खा रहा है, घास खा रहा है ये इतना धूप में। तो अभी मैं तो जा रहा हूँ घर, नहा धो के मैं जा रहा हूँ अभी घर, घर में जाके मिलते हैं, नहीं तो आगे जाके मैं ये वाला ब्लॉक यहीं पर ख़त्म कर दूँगा, और इवनिंग टाइम में शायद जाऊंगा घूमने सिटी की तरफ, वहाँ पर कुछ दिखा दूंगा। आप लोग तो वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल वाला जो बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए,
आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रख देंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत भला हो जाएगा, मोटिवेट बढ़ेगा। इस वजह से बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिएगा, देने के बाद एक बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल कर लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों के पास। जब मैं नया वीडियो डालूँगा तो तुरंत आप लोगों का बस नोटिफिकेशन चला जाएगा तो मेरा नया वीडियो आ गया है। तो सब्सक्राइब प्लीज़, वो जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिएगा ज़ोर से। आपका फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर सबका मोबाइल लेके लेके आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मोटिवेट बढ़ाइए वीडियो बनाने में। मुझे पता है मेरा साउंड का थोड़ा इश्यू हो रहा है, लेकिन मुझे, मैं नया नया यूट्यूब में आया हूँ, ठीक है, इस वजह से मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे साजिश कीजिए कैसे बनाओ वीडियो तो मेरा साउंड क्वालिटी अच्छा हो जाए, वीडियो क्वालिटी भी अच्छा हो जाए, कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके बताइएगा। इंस्टाग्राम में हैंडल है रियाज की दुनिया, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आने के टाइम में ये वाला रास्ता से मैं आया, दिखाया था ना, आगे स्कूल है और ये वाला रास्ता से मैं आया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पानी जा रहा है, अरे ये चारों तरफ ग्रीन है, नेचर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हालांकि वो इधर बहुत हॉट है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इस वजह से बाहर कोई है ही नहीं, बहुत गर्मी हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कैसे लगा, कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके बताना, और फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिधर भी आप लोग शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप फेसबुक जिधर भी आप लोग शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वो जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत ज़्यादा हवा बह रहा है, शायद बारिश आएगा, पूरा आसमान काला काला हो गया है, बादल में छा गया है पूरा आसमान, काला बादल में पूरा आसमान छा गया है, शायद बारिश आएगा। और ये देखिए ऐसे दूल रहा है इधर उधर। गणपति के लिए देखिए कैसे पेंडल से लाइट, कहा जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहे, आगे पता चला जाएगा।